गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ तनवीर अहमद, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे ऑनलाइन लर्निंग क्लास। द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द एटम्स एंड द एटमिक मास यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम विद रिस्पेक्ट टू ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ओके, कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ एनी एटम्स कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लास्ट में हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने देखेंगे व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ अ टू और मोर देन टू एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि आप दो एटम हैं, ठीक है, किसी के भी, चलो मैंने मान लेता हूँ कि ये ऑक्सीजन के एटम है, ये भी ऑक्सीजन के एटम। बोला क्या है, मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ अ टू एटम, टू और मोर देन टू एटम आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जो कि दोनों केमिकली बॉन्डेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड एटम कहला रहे हैं, मॉलिक्यूल कहला रहे हैं। वो टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई ए अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स से दोनों टाइटली हेल्ड रहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये मान लो ये कि अगर मैं ऑक्सीजन एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट की बात करूँ तो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ना O2, जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। साथ साथ बोला गया कि एटम्स का क्या होता है, ग्रुप होता है जो केमिकली बॉन्डेड होता है, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और एटम्स के ग्रुप हैं उनको क्या कहा जा रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से की वजह से दो एटम आपस में क्या है, अटैच है वाया केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। साथ साथ क्या बोला गया, एटम ऑफ ए सेम एलिमेंट, ध्यान से देखेंगे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट और अ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो अब इस पॉइंट को समझेंगे। इस पॉइंट में बोला गया एटम ऑफ सेम एलिमेंट अगर मैं H के एटम की बात करूं और यहां पे एक और H के एटम की बात करूं, दोनों आपस में बॉन्डेड है तो कह सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल बनाएगा ये, टू एंड मोर देन टू एटम कम्बाइंड केमिकली, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल करा रहा। तो एटम ऑफ हाइड्रोजन दो एटम ऑफ हाइड्रोजन आपस में कम्बाइन किया तो क्या बनाया, हाइड्रोजन बनाए, तो ये सेम एटम के मॉलिक्यूल हैं। अब बात करता हूँ डिफरेंट एटम की, तो डिफरेंट एटम में यहाँ भी देख सकते हैं आप, जैसा कि मैं कंसीडर कर लूँ, मान लो कि NH3 अमोनिया है, ठीक है, तो NH3 आपका क्या हुआ, एटम ऑफ ए डिफरेंट एलिमेंट कम्बाइंड केमिकली और टू एंड मोर देन टू एटम्स हैं, जैसे कि यहाँ पे N का एक एटम है और आपका H का 1, 2 एंड 3, यहाँ पे आपके H के 3 एटम्स हैं, तो क्या हुआ, 3 बॉन्ड बनाएंगे और क्या करें, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो गया ये। तो इसी तरह बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब केमिकल तो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको केमिस्ट्री में दिखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखते हैं हम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एलिमेंट, आप किसी भी एलिमेंट में मतलब कि क्या होती हैं वो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब जो भी किसी भी मान लो कि एलिमेंट है, तो एलिमेंट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या होगा, अगर एलिमेंट मेरा क्या है Fe का है, तो उसमें जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे Fe के सब क्या होंगे, मतलब कि जितने सारे मॉलिक्यूल होंगे सब Fe के होंगे, वही कहा जा रहा है। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन के एलिमेंट बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, इस एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर भी जितने भी तुम्हारे ये होंगे मतलब कि मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब ऑक्सीजन के ही होंगे, ठीक है, वही कहा जा रहा है वहाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई द सेम टाइप ऑफ आइटम्स, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट सच एस आर्गन हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ एटम दैट एलिमेंट, बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल,
A molecule of oxygen constituted of two atoms, oxygen, and hence it is known as the diatomic molecules. ठीक है. If the three atom of oxygen unite into a molecules instead of the usual two, we get a ozone. The number of atoms constitute a molecule is known as the atomicity. मतलब कहा जा रहा है, बोल रहा है ना, मान लो ये ऑक्सीजन के एलिमेंट, ये एलिमेंट है, ऐसा बोला गया अगर वो अगर टू से कंबाइन कर रहा तो उसको डायटमिक मॉलिक्यूल्स कह रहा है. अगर हाँ वो अगर थ्री एटम से आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उन्हें बताया जा रहा है एलिमेंट सेम है, एलिमेंट ये ऑक्सीजन के एलिमेंट ही है. ठीक है, उन्हीं के अंदर में क्या है, बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना. अब उस एटम में देख रहे हैं कि अगर वो दो आपस में कंबाइन है तो उसे मॉलिक्यूल कह रहे हैं और उसे डायटमिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं. अगर थ्री एटम है तो ट्राईटमिक कहेंगे. और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड कहलाती है वो, उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए वो एटॉमिसिटी कहलाती है. वो क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी. क्या कहला रही है, एटॉमिसिटी. अब ध्यान देंगे यार, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर. तो अगर मैं किसकी बात करूँ, मेटल्स की बात करूँ या फिर कार्बन की बात करूँ, बहुत सारे मेटल्स की या फिर मैं कार्बन की बात करूँ, है ना, तो उसमें क्या होता है, डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर. लेट अस नो द एटमिसिटी ऑफ ए एलिमेंट, सम एलिमेंट. तो कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे. यहाँ एग्जांपल लिया गया है नॉन मेटल का, तो आर्गन है ये कैसा होता है, मोनोटॉमिक होगी. हीलियम है ये भी मोनोटॉमिक होगी, लेकिन ऑक्सीजन आएंगे तो डायटॉमिक होगी. हाइड्रोजन है तो आपको क्या कहेंगे, वो भी डायटॉमिक होगी. नाइट्रोजन भी डायटॉमिक, क्लोरीन भी डायटॉमिक कहलाती है. फॉस्फोरस टेट्रा एटॉमिक होती हैं, ठीक है, लेकिन सल्फर होती हैं पॉली एटॉमिक. ठीक है ना, मतलब तो एट सल्फर आपस में कंबाइन होते हैं. ठीक है, उसी तरह मेटल की बात करूँ तो जितने मेटल्स देखेंगे यहाँ पे आप, सब मोनोटॉमिक आपको क्या होते हैं, उनकी एटॉमिसिटी जो होगी वो मोनोटॉमिक होगी. ठीक है, साथ साथ देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड. किसी भी कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे. मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस समझिए. सबसे पहले बोला गया मॉलिक्यूल्स में मैंने डेफिनेशन पढ़ा, मैंने टू एंड मोर देन टू एटम आर कंबाइंड केमिकली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल हो रहा है ना, बाई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइटली हेल्ड रहते हैं आपस में. लेकिन कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड होती है व्हेन टू एंड मोर देन टू एटम, ठीक है, कंबाइंस केमिकली इन ए फिक्स रेशियो, इन ए फिक्स रेशियो, रेशियो एकदम फिक्स है तो उसे मैं कंपाउंड कहूँगा. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, एटम डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो और यहाँ पे मेरा एक और बात निकल के आता है कि एटम्स जो भी कंबाइन करते हैं आपस में वो फिक्स रेशियो में करते हैं, साथ साथ इसमें एटम जो होंगे वो डिफरेंट एटम भी होंगे. ठीक है, तो ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, इतना याद रखना है आपको. ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड. ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपाउंड की तो क्या है, वाटर भी एक कंपाउंड है. उसमें क्या हुआ, वाटर में, वाटर भी एक कंपाउंड है. तो वाटर में क्या हुआ कि उसमें दो हाइड्रोजन के आए, एक ऑक्सीजन के आए. ये हमेशा फिक्स होगा, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम जब होंगे तभी वो वाटर कहलाएगा. ऐसा थोड़ी ना कि हाइड्रोजन के दो हो जाए, हाइड्रोजन के दो हो जाए, ठीक है, और ऑक्सीजन के भी दो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, हाइड्रोजन के भी दो और ऑक्सीजन के भी दो, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, वो जो मेरा कंपाउंड था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना. तो जब भी होगा वो फिक्स रेशियो में होना चाहिए, वाटर जैसे हैं, है ना. तो ध्यान से देखेंगे आप, जैसे कि यहाँ लिया गया वाटर का, तो वाटर का उनका जो फिक्स रेशियो बाई मास बोला गया, वाटर में दो हैं ऑक्सीजन में एक है, तो वाटर के दो ऑक्सीजन के एक, एक का एटॉमिक मास मेरा 16 होता है. तो
तो 1:8 के रेशियो में ही होगा ये वाटर, इस तरह से यहाँ शो की गई है। उसी तरह अमोनिया बोला गया, तो अमोनिया होता है NH3, ठीक है, तो 14 इनके एटॉमिक मास का रेशियो लिया जाए 14:3, ठीक है। उसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूँ, तो क्या होगा, ध्यान देंगे यहाँ, तो क्या होगा CO2 बाई मास रेशियो क्या होगा, कार्बन के 12 ऑक्सीजन के 32, जब काट छाट करेंगे तो क्या आएगी 4, 3, 4, 8, तो यहाँ पे उसी का रेशियो गिवन है। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि किस तरह से बोला गया कि कंपाउंड ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स रेशियो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास, थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।